हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो हाईवे। फ्रेंड्स, काशी, वाराणसी या बनारस, तीन नाम होते हैं, आप भली भांति परिचित हैं। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि काशी से यानी कि वाराणसी से जिसका भी संबंध होगा, जो यहाँ रहते होंगे, कैंट स्टेशन से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। वह यहाँ के माननीय सांसद हैं और उनकी सुपरविज़न में यहाँ पर डेवलपमेंट के बहुत से कार्य हो रहे हैं। फ्रेंड्स, बनारस यानी कि वाराणसी अपने आप में चार रेलवे स्टेशन यहाँ पर होते हैं, जिसमें से अभी हाल ही में मडुआडीह स्टेशन की बहुत चर्चा रही है, उसकी खूबसूरती के लिए, उसके बेहतर डिज़ाइन के लिए, जैसा कि लोग बताते हैं और लोगों ने, मैंने वीडियो भी बनाया है, आप वीडियो भी देख सकते हैं, जैसा कि लोग कहते हैं कि मडुआडीह स्टेशन एक सुंदर एयरपोर्ट की तरह बाहर से दिखता है। तो फ्रंट फोकस, कलरफुल फोकस लाइट के साथ इस समय आपको मैं एक कैंट स्टेशन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो इसकी बाहरी बिल्डिंग है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और फ्रेंड्स, बनारस से जिनका भी संबंध होता है, वो उनका आना जाना जब यहाँ पर होता है, तो एक बार उन्हें कैंट स्टेशन से होकर गुजरना ही होता है। अगर आप किसी प्राइम लोकेशन के लिए टेम्पो लेते हैं या सिटी से बाहर जाने के लिए कोई साधन लेते हैं, तो आपको कैंट एरिया में स्टेशन, रेलवे स्टेशन है जिसका नाम कैंट रेलवे स्टेशन है, तो इस एरिया से आपको होकर गुजरना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ब्लॉग पर, वीडियो पर पहली दफ़ा आए हों, फर्स्ट टाइम व्यूअर हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरीके के बहुत से वीडियो मैं, जो मुझे पसंद आता है, मैं प्रयास करता हूं कि मैं उसका वीडियो बनाऊं, उसका ब्लॉग बनाऊं, उसके बारे में कुछ जानकारी लूं, और इस तरीके से जानकारी लेकर लोड करना यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर मेरा एक शौक होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप वीडियो को देखें, अंदर देखें और एंजॉय करें, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपने अगर ये वीडियो देखा है, तो आप हमारा एक पुराना वीडियो जो मडुआडीह स्टेशन पर बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आप अंत तक इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें। फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।